हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माई चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था दैट इज़ यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। तो इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू आर टॉपिक। सो सबसे पहले हम देखेंगे बिगिनिंग ऑफ अ चेंज। सो बिगिनिंग ऑफ अ चेंज, तो इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बीच में चेंजेस कैसा स्टार्ट हुआ है। सो जब क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन डील करता था जो इमर्जिंग चैलेंजेस आए थे पोस्ट सोवियत वर्ल्ड के बाद, तो तब जो अमेरिकन थिंक टैंक थी उन्होंने एक अप्रोच ये दिया दैट इज़ यूएस इंडिया रिलेशन में। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर यूएस और इंडिया का रिलेशन अगर बनता है तो इट विल हेल्प अमेरिका। और जो एशिया सोसाइटी एंड काइनेजिक एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस है, उन्होंने भी एक रिपोर्ट तैयार की और उसमें बताया कि अगर हम इंडिया और यूएस का रिलेशन मीन्स इंटेंस और कोऑपरेटिव हमें बनाना चाहिए। तो इससे दो डेवलपमेंट होते हैं। पहला कि इंडिया हैड एम्बार्क ऑन अ पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, मतलब कि जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब सोवियत यूनियन ब्रेक होता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ महीनों बाद जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता है इंडिया में। सेकेंड वन इज़ दैट कि जो यूएस का पोस्ट कोल्ड वार फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स है, तो उसमें जो प्रेसिडेंट है क्लिंटन, उन्होंने जो इकोनॉमिक इश्यूज है उसे भी एम्फेसाइज किया है। तो इस सब के पीछे क्या होता है, जो यूएस की कॉमर्स डिपार्टमेंट होती है तो वो आइडेंटिफाइड करते हैं 10 बिग इमर्जिंग मार्केट तो इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, जो क्या करेंगी, फैसिलिटेट करेंगी अमेरिकन ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को। इंडिया वॉज कंसिडर टू बी वन ऑफ सच इमर्जिंग मार्केट, तो इंडिया उसमें से एक थी। तो जो पीएम थे एट दैट टाइम दैट इज़ नरसिम्हा राव, तो उन्होंने फर्स्ट इनिशिएटिव लिया जिससे वो इंडिया के और यूएस के रिलेशन को रिशेप कर सकते थे। और उन्होंने विजिट किया वॉशिंगटन को मई 1994 में। देन उसके बाद क्या होता है, जो यूएस के अंडर सेक्रेटरी है ऑफ कॉमर्स दैट इज़ जेफरी गार्टन, तो वो इंडिया में विजिट करते हैं एंड एक ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं जिसके तहत जो यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी है वो इंडिया में विजिट कर सके। और जब यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी दैट इज़ डोनाल्ड ब्राउन इंडिया में विजिट करते हैं दैट इज़ जनवरी 1995 में, तो वो एक मेमोरेंडम साइन करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द कॉमर्स मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी के साथ टू क्रिएट अ कमर्शियल अलायंस बिटवीन द टू कंट्रीज़, और ताकि वो इंडिया और यूएस के बीच में कमर्शियल अलायंस क्रिएट कर सके। इट वॉज टू बी अ सुपर फोरम फॉर कंसल्टेशन टू फैसिलेट दैट इज़, इससे क्या होगा, जो बिजनेस है वो अच्छे से बिल्डअप हो पाएगा। तो जब वो यहाँ पे स्टे कर रहे थे तो उन्होंने 11 बिजनेस डील साइन किया इंडिया के साथ इन द 4 डेज, जो 4 दिन वो यहाँ पे स्टे किए थे, तो उस 4 दिनों में उन्होंने 11 बिजनेस डील साइन किए। सिंस दैट टाइम इकोनॉमिक फैक्टर हैव ब्रॉट इंडिया एंड द यूएस टुगेदर, और जो यूएस हैड बिकम द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट। उसके बाद देखेंगे हम डिफेंस कॉरपोरेशन। सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन द इंडो यूएस रिलेशन द पोस्ट वर्ल्ड पोस्ट कोल्ड वार एरा दैट इज, तो हमें डिफेंस कॉरपोरेशन को बढ़ाना चाहिए दो कंट्रीज़ के बीच में। और ये एक टैबो हो गया इन द कोल्ड वार डेज दैट इज़ एक सोशल नॉर्म हो गया। तो इसमें पहला माइलस्टोन किसने तैयार किया, दैट इज़ यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी है विलियम पेरी, तो उन्होंने इंडिया में विजिट किया अर्ली 1995 में, और उन्होंने साइन किया एग्रीड मिनट्स ऑन डिफेंस कॉरपोरेशन विथ हिज इंडियन काउंटर पार्ट, पेविंग द वे फॉर बायलैटरल सिक्योरिटी कॉरपोरेशन टू डील विद द पोस्ट कोल्ड वार अनसर्टेनिटीज़। तो जो पोस्ट कोल्ड वार के बाद जो अनसर्टेनिटीज़ आई थी उसे डील करने के लिए उन्होंने बायलैटरल सिक्योरिटी कॉरपोरेशन तैयार किया। देन जो ब्राउन अमेंडमेंट था उसने भी एक लीगल राइट दिया था प्रेसलर अमेंडमेंट को। एंड इसके बाद क्या होता है, जो इस्लामाबाद है उसने उसकी जो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस थी उसे लॉस्ट कर दिया था। उसके बाद हम देखेंगे पोखरण टू एंड आफ्टर। तो जब हमने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ा दिया, हमने डिफेंस कोऑपरेशन को भी बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी जो इंडिया का यूएस का रिलेशन है वो काफ़ी सुधर नहीं पाया, मीन्स उसमें कुछ डिफरेंसेस थे पोस्ट कोल्ड वार एरा के टाइम पे। एंड उसका जो एक रीज़न था वो था कश्मीर इशू, और पाकिस्तान ने उस इशू को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को स्पॉन्सर्ड करके। एंड इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो इंडो यूएस रिलेशन था वो हॉन्ट होते जा रहा था, दैट इज़ ख़राब होते जा रहा था।
और इंडिया ने एक्सपेक्ट किया था कि यूएस डिक्लेयर करे पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट स्टेट, लेकिन वाशिंगटन ने रिफ्यूज़ कर दिया था, क्योंकि वाशिंगटन चाहता था कि इंडिया या फिर इंडिया की गवर्नमेंट या फिर उनका खुद का इंटेलिजेंस कम्युनिटी उनको कोई एविडेंस दे जिसके तहत वो पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित कर सके। साइमल्टेनियसली सम यूएस लेजिस्लेटर्स, मतलब कुछ यूएस लेजिस्लेटर्स थे, उन्होंने इशू रेज किया दैट इज़ ह्यूमन राइट वायोलेशन का कश्मीर में, जिसके वजह से अनईज इंडिया में जनरेट हो रहा था। द डिफरेंस ओवर द न्यूक्लियर इशूज़ ऑल्सो कंटिन्यूड, तो इसके अलावा भी जो न्यूक्लियर इशू है वो भी खड़े हो रहे थे। क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ कैप फ्रीज एंड रोल बैक, तो क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने अडॉप्ट किया था पॉलिसी दैट इज़ कैप फ्रीज एंड रोल बैक ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और इंडिया को ब्रॉडली हैड फोर ग्रेवेंसेस अगेंस्ट यूएस नॉन प्रोलीफरेशन पॉलिसी। पहला था कि जो वाशिंगटन है वो केपटन प्रोवाइडिंग, मतलब वाशिंगटन पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है कि जो वाशिंगटन है वो यूएस पाकिस्तान को मिलिट्री एंड इकोनॉमिक असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है 1980s में। सेकेंड वन इज़ दैट जो वाशिंगटन है वो लैक्सिटी ऑन, मतलब जो पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है उसको वो स्ट्रिक्टली नहीं ले रहा है, और जो इंडिया के इंडिजीनियस न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम है उसको वो काफ़ी हार्ड लाइन दे रहा है। और जो क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन डील था इंडिया और रशिया के बीच में, उससे भी उसने फेल कर दिया। थर्ड वन इज़ दैट द US ओकेजनली मेड कॉमन कॉज विद चाइना टू एड्रेस द साउथ एशियन न्यूक्लियर इशू, मतलब जो इंडिया को फेल्ड हुआ दैट इज जो चाइना का न्यूक्लियर वेपन है वो एक पार्ट है प्रॉब्लम ऑफ प्रोलीफरेशन इन द रीजन। सो इन द मिड्स ऑफ द परसीव्ड डिस्क्रिमिनेटरी US नॉन प्रोलीफरेशन पॉलिसी एंड न्यूक्लियराइजेशन ऑफ इंडिया सिक्योरिटी इन्वायरमेंट विद राइजिंग कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, तो मतलब US का जो कोऑपरेशन था वो चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ बढ़ता हुआ देख रहा था इंडिया। तो न्यू दिल्ली ने क्या किया, न्यू दिल्ली ने कंडक्ट किया ए सीरीज़ ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट मई 1998 में, तो उसे कहा गया कि पोखरण 2। इससे क्या हुआ कि जो पाकिस्तान में भी उससे फॉलोड किया और उसने भी खुद के जो सेवरल न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया, तो यूनाइटेड स्टेट ने इम्पोज किया कॉम्प्रहेंसिव सैंक्शन अगेंस्ट द न्यूक्लियर टेस्ट एंड इंडो यूएस रिलेशन केम टू पास टू अ स्काई ऑफ डार्क क्लाउड। सो इसकी वजह से जो इंडिया का और यूएस का रिलेशन है वो काफ़ी ख़राब होता है। ऑल द इंडिया वॉलंटरी, मतलब तो इंडिया ने कहा भी था कि वो इसके बाद कोई भी टेस्ट कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जो यूएस है उसको कंटिन्यू प्रेशराइज कर रहा था कि वो जो नॉन प्रोलीफरेशन ट्रेडी है और कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रेडी है उसे साइन करे। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए और समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। सो सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।